वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलवेशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह रहमान की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 13 तक करते हैं। तर्जमा, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, माँ काना व माँ यकून का बयान इन्हें सिखाया, सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्ज़े और पेड़ सजदा करते हैं और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेएतदाली ना करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वज़न ना घटाओ और ज़मीन रखी मखलूक के लिए इसमें मेवे और गुलाफ वाली खजूरें और बुस के साथ अनाज और खुशबू के फूल, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सदक अल्लाहुल अज़ीम। तो आज की क्लास में हम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के टॉपिक नंबर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और उसके सब टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बुक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को रीड आउट करेंगे कि बुक के अंदर क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। उसके लिए भी मैं आपको नोट्स टाइप क्वेश्चन बना के दूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज़ द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर मस्ट फाइंड अंडरस्टैंड हाउ सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट ट्रांसलेट इन टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। प्रॉब्लम सॉल्विंग डेली लाइफ में कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मेन टास्क होता है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम एक ह्यूमन कंसेप्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि उसको डेली लाइफ में हमने सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेकर जाकर उसका सलूशन निकालेंगे। द फॉलोइंग आर द फाइव स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपके पास जो इंपॉर्टेंस रखती है वो डिफाइन द प्रॉब्लम है कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर प्रोग्रामर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स सोल्यूशन। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स प्रॉपरली डिफाइंस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वट इट टेल्स। फाइंड आउट वट द प्रॉब्लम आस्क टू डू। वट इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉब्लम और वट इज द रिक्वायर्ड टू कैलकुलेटेड एज सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम आपके पास डेली लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट स्टेज इसलिए कि जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। आपके पास बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि अ पर्सन इज अनहैप्पी विद अ प्रोडक्ट और सर्विस ही हैज़ परचेज फ्रॉम अ कंपनी। तो देखिए, जैसे ही हम प्रॉब्लम को रीड आउट करें तो हम इसे आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, अ पर्सन अनहैप्पी प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम अ कंपनी। तो जैसे ही इस स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक पर्सन है, उसने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदी तो वो इससे खुश नहीं है। तो हमने जैसे ही इसको रीड आउट किया तो हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। एक और एग्जांपल है आपके पास, फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि प्रॉब्लम यह है कि हमने किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स ही क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। सेकेंड स्टेप, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। At this stage of problem solving, the programmer investigates the problem and gathers as much information as possible to find a solution. The following questions are asked to be analyzed the problem. Is it possible to solve the problem on a computer? What is to be done to find the solution of the problem? What is the proper sequence of steps to solve the problem? What are the inputs and what output is to be required? How many solutions are possible? Which solution is best and why? How solution will be implemented? Analyzing भी हमारे पास इसलिए ज़्यादा importance रखती है कि सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जिस problem को हम
सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप वो कंप्यूटर पे सॉल्व हो भी सकती है। फिर उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास क्या इनपुट्स हैं और आपके लिए उसके लिए आउटपुट क्या हो सकती है। और समटाइम ऐसे भी होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं, तो फिर किस सोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की वजह क्या हो सकती है, तो ये आपके पास एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में आ जाएगा। थर्ड, हम ऊपर वाली प्रॉब्लम को अगर हम डिस्कस करें तो ऊपर हमने ये कहा था कि एक आदमी है, उसने किसी कंपनी से कोई चीज़ खरीदी और वो खुश नहीं है। अगर इसको हम एनालाइज करें तो आप ये कह सकते हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कैप्ट इन माइंड एंड सम इंफॉर्मेशन इज टू बी गैदर्ड। नो द आउटकम यू वांट, कि हम उससे क्या चाहते हैं। थिंक अबाउट वट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड वट यू वॉन्ट टू अचीव। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट अ रिफंड अ रिप्लेसमेंट, कि क्या हम उस प्रोडक्ट का रिफंड मांगते हैं या उसको रिप्लेस करेंगे। वुड यू लाइक सेम देम टू प्रोवाइड द सर्विस अगेन, दिस टाइम मीटिंग एग्रीड स्टैंडर्ड्स। द मोर स्पेसिफिक यू, द मोर लाइकली इट यू विल गेट आउटकम यू वांट। प्रिपेयर फॉर डिस्कशन। इन चीज़ों को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कि ये हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो बस थर्ड स्टेप पे जाएंगे हम। कि थर्ड स्टेप आपके पास आता है प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्लानिंग आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट रेफर टू डिवाइडिंग द सोल्यूशन इंटू स्टेप्स एंड अरेंजिंग दैम इंटू प्रॉपर ऑर्डर दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो मैं इसको बीच में स्किप कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाएगा कैंडिड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट आर नोन एज कैंडिड सोल्यूशन। कि एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट सॉल्यूशन होते हैं। टू फाइंड कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रोग्रामर हैज़ टू लुक फॉर डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कम अप विद सेवरल सॉल्यूशंस। फिर वही प्रॉब्लम को ये डिस्कस कर रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन वन ये भी हो सकता है कि द कस्टमर कैन लॉज द कंप्लेंट पर्सनली विजिटिंग द कंपनी। द कस्टमर कैन आल्सो यूज कॉरियर टू सेंड सर्विसेज टू सेंड द बैक प्रोडक्ट, और द कस्टमर कैन यूज कंपनी वेबसाइट टू फाइंड द फिल द कंप्लेन। और लास्ट आपके पास इसमें एक टॉपिक यह है कि सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन ओनली वन सोल्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। द सिलेक्शन ऑफ फाइनल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर हम किसी सोल्यूशन को बेस्ट कह रहे हैं तो उसके पर हमारा कोई क्राइटेरिया भी हो सकता है। फर्स्ट, स्पीड। द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट। इन अदर वर्ड, इट मीन्स व्हेन द सोल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम शुड रन फास्ट। तो इसका मतलब स्पीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में भी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमने किसी भी काम को जल्दी करना होगा तो स्पीड का क्राइटेरिया हमारे लिए हमेशा एक टॉप क्राइटेरिया होगा। सेकेंड, कॉस्ट। द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कि कॉस्ट भी हमारे बजट के अंदर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कॉस्ट हमारे बजट से बाहर हो, तो क्योंकि कॉस्ट हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। थर्ड, कम्प्लेक्सिटी। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। इट शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या सिंपल स्टेप्स। के आपके पास सॉल्यूशन इतना कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि उसको परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या बहुत ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो। तो यहाँ तक तो हमने बुक के जितने भी कंसेप्ट थे उसको रीड आउट किया है। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर इन्हीं टॉपिक में से आपके पास क्वेश्चन कुछ पेपर में आएंगे तो वो कौन से क्वेश्चन होंगे और वो किस तरह आते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व यूजिंग अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस टू चैलेंजिंग ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग एल्गोरिदम्स एंड राइटिंग कोड टू डेवलप एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर साइंस की जॉब में आप यू कह सकते हैं कि ऐसा डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशंस होती है जिसमें हम सॉल्यूशंस को प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको किसी एल्गोरिदम की फॉर्म में लेके जाते हैं और उसको आखिर में किसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास था डिफाइन द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। आइडेंटिफाइंग द इनपुट डेटा।
आउटपुट एक्सपेक्टेशंस एंड एनी कंस्ट्रेंट्स और रिक्वायरमेंट्स. सेकेंड स्टेप, एनालाइज द प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इंटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स, आइडेंटिफाई पैटर्न रिलेशनशिप एंड कीज एलिमेंट्स, डिवाइज अ प्लान, डिटरमाइन अ स्ट्रेटजी और अप्रोच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, चूज अप्रोप्राइट एल्गोरिदम टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज. फोर्थ, एल्गोरिदम डिजाइन, क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप प्लान और एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ एक्शन नीडेड टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम. आपके पास सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाने के साथ साथ आपको उसका सीक्वेंस भी फॉलो करना होता है. द फिफ्थ वन, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसलेट द एल्गोरिदम इनटू अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट कोड टू एग्जीक्यूट द प्लान सॉल्यूशन. सिक्स वन, सेट टेस्टिंग, इवेलुएट द सॉल्यूशन बाय टेस्टिंग इट विद डिफरेंट इनपुट्स, चेक फॉर एरर बग्स और अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स. लास्ट, डिबगिंग, आइडेंटिफाई एंड फिक्स एनी एरर और इश्यू इन द कोड और आइटरेटिवली टेस्ट एंड रीड फाइंड द सॉल्यूशन. डिबगिंग आपके पास ये होता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर है तो उसको ढूंढें और उसको फिनिश करें. अगर आपके प्रोग्राम में एरर हो तो उसको हम बग कहते हैं और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डिबगिंग. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन. सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व कंसीडर्ड वेरियस फैक्टर एंड क्राइटेरिया. इसमें से मैंने इसमें 6 से 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप कोई से भी 4 से 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं. मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, इंश्योर दैट द सॉल्यूशन एड्रेसेस द इनिशियल प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट. कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारा सॉल्यूशन है वो उसको इम्प्लीमेंट करे. एफिशिएंसी, कंसीडर द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी. कि जितनी जल्दी हो सके इतना जल्दी हमारा सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हो और सॉल्यूशन कम्प्लेक्स ना हो. चूज अ सॉल्यूशन दैट परफॉर्म वेल एंड इज स्केलेबल इफ नीडेड. कि आपके पास वो जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकता है और हमारी जो एक बजट है उसके दरमियान में वो उसको फुलफिल भी करना चाहिए. इफेक्टिवनेस, इवेलुएट हाउ वेल द सॉल्यूशन अचीव द डिजायर्ड आउटकम, कंसीडर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस. सिंप्लिसिटी, प्रेफर सिंपल सॉल्यूशन ओवरली कम्प्लेक्स वंस. के जो आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन है तो उसमें जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है हम उसको प्रेफर करेंगे. अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंडेबल सॉल्यूशन इज ऑफन ईजियर टू मेंटेन एंड ट्रबल शूट. यूजर फ्रेंडली, इफ एप्लीकेबल कंसिडर द यूजर एक्सपीरियंस, चूज अ सॉल्यूशन दैट इज यूजर फ्रेंडली एंड इनिशिएटिव. कॉस्ट, कंसिडर द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द सॉल्यूशन. बैलेंस कॉस्ट कंसिडरेशन विद द बेनिफिट सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रोवाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. What is candid solution? All the possible solution of a problem that produce the correct result is called a candid solution of that problem. To find candid solution of a problem, programmer must has to look for different method to solve the problem and may come up with the several solution. कि आपके पास एक problem के एक से ज़्यादा solutions भी हो सकते हैं, तो all possible solution of the problem is called candid solution. नीचे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि आपके पास देखें कि 3 + 3 = 6, 6 × 1 = 6, 9 − 3 = 6. ये डिफरेंट इनपुट्स हैं लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो 6 आ रही है. तो इसी के साथ हमारे इन टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उन तमाम क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया है और डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स के लिंक डाल दूंगा. अगर आपको किसी भी टॉपिक में मसला हो या आप किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट उसका क्वेश्चन का नोट्स देखना चाहें तो आप इजीली उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं. आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अपनी मोहब्बतों की फजीलतों का तायन कर लो, किससे पहले किसको बाद. जब अपनी मोहब्बतों की फजीलतों का तायन कर लेते हो और खुदा को तरजीह अव्वल बना लेते हो, फिर ज़मीनों आसमान में किसी से आपका कोई झगड़ा नहीं रहता. तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.